जगत में हम देखेंगे कि जंतुओं की विशेषता बता दी मैंने कि जंतु कैसे होते हैं, उनमें सारी क्रियाएं होती है, प्रजनन होता है, प्रजनन होता है, पोषण होता है ना, उनमें तंत्रिका तंत्र होता है। जंतु क्या होते हैं, आकार में बढ़ते जाते हैं, जबकि पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक जो है बढ़ने के बाद में एक निश्चित समय के बाद में उनकी वृद्धि रुक जाती है ना, फिर उसके बाद में जंतु जो होते हैं उनमें सारी प्रक्रियाएं होती है, पौधों में सारी प्रक्रियाएं नहीं होती है। अब जंतु जो होते हैं उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जंतुओं में जो वर्गीकरण किया गया है भोजन ग्रहण करने या पोषण विधियों के आधार पर, हमने देखा कि सब जंतु अलग अलग प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, तो कौन सा ऐसा आधार होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं शाकाहारी, जिसको हम कहते हैं हर्बी बोरस। शाकाहारी जो केवल किसको खाते हैं, फल सब्जियों, फल फूल सब्जियां वगैरह जो होती है, हरी घास है ना, इनको खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, खरगोश बकरी गाय हिरण आदि, ये सब इसके क्या है, उदाहरण है। मांसाहारी शेर और बाघ जो किसको खाते हैं, मांस को खाते हैं, वेजिटेरियन नहीं होते, वो नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं, कार्निवोरस। फिर उसके बाद में सर्वाहारी ओमनिवोरस, सर्व आहार सर्वाहारी मतलब सबको ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, सब्जियां मिल जाती तो सब्जियां भी खा लेते हैं, मांस मिल जाता तो मांस भी खा लेते हैं, तो ये सर्वाहारी कॉकरोच है मानव है ये इसमें आते हैं। रक्ताहारी जो हमारा खून पीते हैं, डेंगू का मच्छर, मलेरिया का मच्छर, खटमल जो आपको अब देखने को नहीं मिलते, खटमल है ना, उसकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो गई है, तो खटमल जो जर्क जिसको बोलते हैं चिपक जाती है, तो ये जो ये रक्ताहारी के अंतर्गत आती है। परजीवी जो दूसरों के ऊपर जीवन यापन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, एक रहते हैं हमारे शरीर के अंदर, पीताक्रमी टेपवार्म होता है, राउंड वार्म होता है ना, और चपटेक्रमी होते हैं, ये कीड़े हमारे अंदर रहते हैं, शरीर के अंदर, हाथों के अंदर रहते हैं, शरीर के अंदर रहते हैं, और एक बाह्य परजीवी बालों के अंदर पाए जाने वाली जू पोषक पदार्थ प्राप्त करती है, हमारा खून चूसती रहती है पोषक पदार्थ। फिर मृत जीवी मरे हुए जीव जंतुओं का अपघटन करके उनसे भोजन प्राप्त करना, जीवाणु कोशिकाएं है ना, जैसे पौधों में कवक होता है कि नहीं, कवक जो होते हैं मशरूम, ऐसे ही है इसमें जीवाणु कोशिकाएं होती है। फिर विष्ठाभोजी, कवक इसमें भी आता है मृतजीवी में, पौधों जीवाणु और कवक दोनों आएंगे। विष्ठाभोजी घुबरेला और सुअर, विष्ठाभोजी का अर्थ क्या होता है, जो विष्ठा खाते हैं मतलब जो मल होता है, उत्सर्जित पदार्थ जो होता है, उस उत्सर्जित पदार्थ को जाके और ये जो है सुअर वगैरह को अपने खाते हुए देखा होगा है ना, तो इनको कहते हैं विष्ठाभोजी। तो शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी रक्ताहारी परजीवी मृतजीवी और विष्ठाभोजी। अब जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे जंतुओं का, प्रोटोजोआ पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा, तो उसमें जो जंतु आएंगे वो पोषण के आधार पे सब अलग अलग पहचाने जाते हैं। ठीक है, ओके।